गाइज, हमेशा से मैंने तो ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस किया है कि जब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है ना, तभी इन्वेंशंस बहुत बड़े होते हैं, एंड तभी इंसान कुछ बड़ा करता है। सो दिस इज़ द टाइम राइट नाउ। हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल से वो एक्लिप्स नोवा। एंड या मैं अपने घर पे हूँ, एंड इट्स रियली वेरी सैड। मतलब पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसे देखने के बाद आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। एंड या ऑफ कोर्स द केसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया एज वेल, एंड इट्स रियली वेरी सैड, इट्स रियली वेरी सैड। देर इज़ वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, एंड दैट्स कि आई गॉट अ मैसेज फ्यू डेज बैक फ्रॉम सम वन। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे साइड में अटैच कर दूँ। सो या द मैसेज सेज ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कोटा में फंसे हुए हैं। आई थिंक और भी बहुत जगह पे फंसे होंगे, नॉट ओनली IIT वाले, बहुत सारे स्ट्रीम्स के बच्चे जो कि प्रिपरेशन करने के लिए गए होंगे वो फंसे हुए होंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनिशियली दे वर लाइक चलो ठीक है, क्लासेस बंद हो गई हैं, हम रूम पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, सारे जो मैसेज थे वहाँ पे वो बंद हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि खाए क्या। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो खुले हैं वो बहुत कम खुले हैं, फिर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर बहुत महंगा मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इस पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो दैट गाय वॉज सेइंग मी कि डू समथिंग अबाउट इट। आई हैव नो आइडिया वट आई कैन डू गाइज, टू बी ऑनेस्ट, एंड इट रियली मेक्स मी फील सैड टू थिंक अबाउट दिस, दैट आई डोंट हैव दैट मच पावर कि मैं कुछ कर पाऊँ इस बारे में। यू टेल मी वॉट कुड बी डन, लाइक इफ यू हैव समथिंग, इफ यू हैव एनी आइडिया, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इट्स रियली सैड टू सी यार, इट्स रियली सैड टू सी। बट आई विल से, लाइक मेरे साइड से जो मेरे मन में पहला थाट आता है वो ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, अगर मान लो आने वाले दिनों में, ट्राई योर लेवल बेस्ट कि सेफली किसी तरीके से वहाँ से अपने घर पर चले जाओ। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी सिम्टम, क्योंकि जस्ट इमेजिन, सपोज कि तुम्हारे पे कोई सिम्टम होता है एंड फिर तुम घर चले जाते हो, तुम खुद तो इफेक्टेड हो ही, तुम घर में सबको इन्फेक्ट कर दोगे। एंड वी ऑल नो दैट ये जो डिजीज़ है COVID-19, ये ज़्यादा प्रॉब्लम बड़े लोगों को देती है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी हमारे से कम होती है। सो तुम तो शायद फिर भी झेल लोगे, बट तुम्हारे घर वाले शायद ना झेल पाए। तो प्लीज़ बिफोर गोइंग टू होम, प्लीज़ बिफोर मीटिंग एनी वन फ्रॉम योर होम, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम खुद इन्फेक्टेड नहीं हो। एंड घर पर जाके ना क्या करो, दिस इज समथिंग। चलो मान लेते हैं कि तुम घर पे चले गए, इनफैक्ट आई फील, आई होप कि बहुत सारे लोग घर पे भी होंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि यार घर पे तो आ गए, अब क्या। यू नो आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैंने अपने कोरोना वाले सॉन्ग में भी बोला था, उस सॉन्ग को मैंने हटा दिया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। एनीवेज, सो मैंने उस सॉन्ग में भी बोला था दैट मान लो कि तुम घर पे हो एंड तुम घर पे सेफ हो, देर इज सम अनदर प्रॉब्लम जिससे कि हम सब अभी जूझ रहे हैं, एंड दैट्स मेंटल हेल्थ। आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं लोग। लाइक तुम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो उसके बारे में इंटरनेट पे, एंड द रीज़न इज ऑब्वियस, कभी हमें ऐसे आदत ही नहीं है। मतलब बचपन में हमने सुना था दैट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, एंड फाइनली जब हमें ऐसे रहना पड़ रहा है बिना किसी से मिले जुले, इट्स गेटिंग डिप्रेसिंग। सो वट आई विल सजेस्ट यू इज कि सबसे पहले तो स्टॉप रीडिंग अबाउट कोरोना। आई मीन रीड अबाउट इट, बट टू सर्टेन एक्सटेंट। ये नहीं कि दिन रात तुम इसी पे फोकस कर रहे हो कि कहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स गना डू नथिंग, इट्स जस्ट गना हैम्पर योर मेंटल हेल्थ। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट है कि कोरोना का केस क्या चल रहा है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, टाइम दो उसे, थोड़ा बहुत पढ़ लो रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के जस्ट बाद। बट पूरे दिन मैं भी यही कोशिश करता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही कोशिश करो कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होने हो सकते हैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करें। प्रोडक्टिव इन द सेंस डू थिंग्स जो कि तुमने आज तक कभी नहीं किया, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, लाइक प्लेइंग गिटार, लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, पियानो सीख लो। अब मेरे को बहाने मत देना यार कि मेरा गिटार हॉस्टल में छूट गया। ठीक है यार, गिटार छूट गया, पियानो सीख लो। अब बोलोगे मेरे पास पियानो नहीं, यार पियानो का ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, कुछ और कर लो, इंटर्नशाला भी को इंटर्नशिप ढूंढ लो, किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर लो। तुम्हारी जॉब इंटरव्यू होने वाली है तो फिर उसके लिए प्रिपेयर कर लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एंड अगर तुम JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो अच्छी बात है, तुम्हारा तो एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया है, तो फिलहाल तो उस पर फोकस कर लो। गाइज, हमेशा से मैंने तो ज़िंदगी में यही चीज़ नोटिस किया है कि जब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है ना, तभी इन्वेंशंस बहुत बड़े होते हैं, एंड तभी इंसान कुछ बड़ा करता है। सो दिस इज़ द टाइम राइट नाउ। आई नो तुम बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे होगे, पैसों की भी कमी होगी, बहुत लोगों के पापा, लाइक मेरे खुद के फादर, ही इज़ इनटू बिजनेस, सो नाउ क्योंकि अभी सब कुछ रुक गया है, सो ही इज़ लाइक ओ माय गॉड क्या होने वाला है, बट आई एम डैम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज यू नो जब प्रॉब्लम्स होती है ना तभी इंसान सबसे ज़्यादा फोड़ता है। सो दिस इज़ द टाइम राइट नाउ ब्रो, जब तुम्हारे 9 दोस्त बैठ के रो रहे होंगे कि पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है, मैं तो मर जाऊंगा या फिर कुछ बुरा हो जाएगा, तुम बैठ के कुछ फोड़ू काम कर रहे होगे, एंड जब सब कुछ ठीक हो जाएगा
तो वो 9 के 9 को तुम दिखा पाओगे, देखो मैंने ये किया, तुमने कुछ नहीं किया। सो गाइज, दिस इज़ द टाइम राइट नाउ व्हेन यू कैन एक्चुअली पुट इन समथिंग प्रोडक्टिव एंड मेक इट काउंट। सो मेक एवरी डे काउंट, ट्रस्ट मी, बाद में तुम ही खुश रहोगे, बिकॉज जो होने वाला है उसको तुम टाल नहीं सकते। इफ टुमारो आई एम गोना गेट अफेक्टेड, इफ इन्फेक्टेड बाई द कोरोना वायरस, तो वो तो मुझे होना ही है। सो आज मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं व्लॉग बना लूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो या गाइज, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से, एंड दैट्स द रीजन दैट आई केम, दैट आई मेड दिस व्लॉग, दैट लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी प्रोडक्टिव, लेट्स होप दैट एवरीथिंग गेट्स वेल सून। ये मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कहता, मैं खुद को भी कहता हूँ, ट्रस्ट मी। मतलब क्योंकि पहली बात तो ये कि व्लॉग चैनल पर जितने भी लोग हैं ना, मुझे लगता है कि मेरे सारे अपने हैं, पता नहीं क्यों। मैं मेन चैनल पर कभी ये सारी बातें नहीं बोल सकता, उनका उसका अलग सीन है। बट यहाँ पे आई ऑलवेज फील कि जितने लोग मुझे देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। सो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाके प्रोडक्टिव काम करो, मैं सेइंग कि हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। मैं भी कोई मतलब महान नहीं हूँ, मैंने कुछ उखाड़ा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कर लूँ। सो या, हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, सो करते हैं कुछ अच्छा। एंड एनी वेज गाइज, यू नो अभी मैं कुछ देर पहले कुछ सामान लाने के लिए बाहर गया था, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड आफ्टर सीइंग सम पीपल। वो लोग मास्क तो लगा के रखे थे, बट वो बहुत ही यूजलेस था, बिकॉज सी आई सपोज आई एम वेयरिंग अ मास्क एंड कॉन्टिन्यूसली आई एम टचिंग इट, एंड मैं उसको फिर हाथ से, मैंने पैसे छुए, पैसे किसी और को दिए, मैंने चीज़ों को छुआ, एंड फिर वो मास्क मेरे नोज से नीचे आ गया, फिर मैंने उसे छू के ऐसे ऊपर कर दिया। सो या, पीपल वर एक्चुअली डूइंग दिस, एंड वॉज लाइक यार फिर मास्क पहनने का फ़ायदा क्या है। एंड यू नो मतलब दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हेल्प्ड, एंड दिस इज रियली वेरी सैड, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि मतलब ऐसे तुम रातों रात किसी को शायद नहीं सिखा सकते। तुम बहुत कुछ कुछ चीज़ें सिखा सकते हो, जैसे कि हाथ धो के खा लो, चलो मास्क पहन लो, बट अब ये कि तुम्हें मास्क को भी ऐसे टच नहीं करना है, ये तुम किसी को कैसे सिखा सकते हो। दिस इज अबाउट एडुकेशन, एंड इट्स रियली सैड टू सी द कंडीशन ऑफ एडुकेशन इन आवर कंट्री। एंड या, वन थिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से, वी ऑल नो, लाइक आई थिंक सारे मूवी स्टार्स ने, सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ऑलरेडी कह ही दिया, कर ही दिया, एंड कोशिश भी की अपने साइड से, दैट वी ऑल नो दैट द डॉक्टर्स, द पुलिसमैन एंड एवरीवन, लाइक द हेल्थ वर्कर्स आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। सो इन केस यू कैन हेल्प देम इन एनी पॉसिबल वे, लाइक द PM केयर फंड एंड एनीथिंग लाइक दैट, देन प्लीज़ डू इट। लाइक सिमिलरली, मेरे एक सीनियर है, मेरे कॉलेज के एक सीनियर के फ्रेंड है, एंड आई नो हिम बिकॉज इज़ अ रियली नाइस गाय। वो बहुत सारे NGO से एसोसिएटेड है। अभी उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक चीज़ स्टार्ट की है। वट दे आर डूइंग इज, वो ना स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रहे हैं, जो रास्ते पे गली पे कुत्ते होते हैं, एंड क्योंकि उनके पास अब खाने वाने के लिए कुछ नहीं है, तुम कचरा फेंकोगे ही नहीं घर के बाहर, तो फिर अब क्या खाएंगे वो लोग, तो बाहर निकलते ही नहीं, तो उनके पास तो कुछ है नहीं, वैसे बेचारे भूखे मर जाएंगे। सो वट दे आर ट्राइंग इज कि वो उन्हें खिला रहे खाना, एंड इसके लिए ना वो कुछ फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। सो अभी मेरे पास उनका डिटेल्स है, सो इन केस यू कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट, तो प्लीज़ नीचे जाना, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज़ उसको उनको कंट्रीब्यूट करना, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू द स्ट्रे डॉग्स। एंड गाइज, अगर 1 रुपये भी करोगे तो वो भी बहुत मायने रखेगा, एंड दूसरी बात, तुम नहीं भी करोगे तो बहुत लोग कर रहे होंगे, शायद ये सोच के बहुत लोग नहीं करेंगे, सो आई वॉन्ट यू टू डू इट। सो या, दैट्स इट, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से, स्टे होम, स्टे सेफ, करते हैं कुछ अच्छा, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, एंड या, नेक्स्ट वीडियो विल बी अप वेरी सून, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कि मैं सॉन्ग्स कैसे लिखता हूँ, एंड कैसे फिर उसे रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे उसे अपलोड करता हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप गाना कैसे लिखते हो, फिर आप कॉलेज में हो तो फिर कैसे रिकॉर्ड करते हो, आपके पास माइक कैसा है, क्या है, नहीं है, तो फिर इस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। टिल देन, सी यू वेरी सून, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन कि मैंने अभी तक कोई मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहा था, बट या, आई एम बैक वंस अगेन, एंड आई ट्राई टू बी फ्रिक्वेंट। अब मैं थक गया बोलते बोलते, मैं चलता हूँ, ठीक है, सी यू वेरी सून, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स, लाइक वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। सी यू।